इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से देखेंगे, जहां पर टीम वीजी का शपथ ग्रहण समारोह आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारी शपथ लेंगे। सुबह 10:30 बजे सभी पदाधिकारी शपथ लेंगे। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश कार्यकारिणी के नए पदाधिकारी आज शपथ लेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा। तो टीम बीबी शर्मा आज शपथ लेगी। समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। 10:30 बजे से पदाधिकारी शपथ लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ दुर्गेश गुप्ता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, टीम वीजी की अगर बात की जाए तो शपथ ग्रहण समारोह है, कितना खास है, और इस नई जो टीम है, ये जो नए तमाम पदाधिकारी हैं, क्या लगता है किस बेस पे इनको इस पूरे टीम में रखा गया है और क्या कुछ हमें नए चेंजेस आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे? सबसे पहला चेंज तो रश्मि जी आपको यही बता दूं कि पूरे प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा है, यह वीडी शर्मा की टीम के रूप में ही इसको जाना जा रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी में सबसे ज्यादा जो कैंडिडेटों को शामिल किया गया है उनमें से वीडी शर्मा के समर्थक सबसे ज्यादा थे। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के कहीं पर भी नजर नहीं आए हैं। हालांकि इसमें जो आलोक शर्मा कहे जाते हैं वह एकमात्र जो कैंडिडेट हैं, एक प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं जो कि शिवराज जी के खेमे से आते हैं। तो ये टीम वीडी शर्मा का शपथ समारोह है 10:30 बजे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होने जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस जो शपथ समारोह है, शपथ ग्रहण है, इसमें शामिल हो सकते हैं। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 10:30 बजे अभी अगर हम बात करें तो पार्टी कार्यालय में किन किन की मौजूदगी देखने को मिल रही है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बिल्कुल रश्मि जी, जिस तरीके से अभी यहाँ पर जो कार्यकारिणी सदस्य के समर्थक हैं उनका आना जाना यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में शुरू हो गया है, और जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं वे भी अब एक एक करके आ रहे हैं। और यदि हम बात करें एक बड़े नेता की, तो बड़े नेता के रूप में अभी तक यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। हालांकि बताया जा रहा है कि वीडी शर्मा से संबंधित, वीडी शर्मा के गुट के जो नेता हैं वह जरूर इस पर शपथ समारोह में शिरकत लेंगे। यदि हम बात करें जिस तरीके से टीम वीडी शर्मा बनी थी, ये प्रदेश कार्यकारिणी के जैसे ही सदस्यों की घोषणा हुई थी उनमें वीडी शर्मा के खेमे से ज्यादा सदस्यों को लिया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से किसी को नहीं लिया गया है, इसलिए सिंधिया भी इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं ले रहे हैं। उनका वह आज ग्वालियर पर हैं और ग्वालियर में हैं अपने निजी कार्यक्रम, जो ग्वालियर से संबंधित क्षेत्रीय कार्यक्रम है उन पर वे हिस्सा ले रहे हैं। उनका आना यहाँ पर नहीं माना जा रहा है, जो कि बहुत सारे एक अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि सिंधिया जी आखिरकार इस कार्यक्रम में इतनी जो दूरी बने हुए हैं, वाकई में बने रही है, चर्चा लगातार जारी है।